चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है मालाबार अभ्यास। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, मालाबार अभ्यास और चीन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्वाड क्या है और आखिर में इससे संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यह विषय चर्चा में क्यों है। क्वाड देशों के सदस्यों के बीच होने वाले मालाबार अभ्यास में इस बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने से अब इसकी ताकत और बढ़ जाएगी। यह अभ्यास नवंबर में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होगा। आइए अब इसकी पृष्ठभूमि पर बात करते हैं। वर्ष 1992 में भारत अमेरिका के बीच नौसेना के साझा युद्ध अभ्यास को लेकर एक समझौता हुआ था। यह समझौता भारत के दक्षिणी राज्य केरल के मालाबार में हुआ था, इसलिए इसको मालाबार एक्सरसाइज या मालाबार अभ्यास का नाम दिया गया। वर्ष 1998 तक इसके 3 अभ्यास हुए थे, परंतु भारत के परमाणु कार्यक्रम से नाराज होकर अमेरिका ने खुद को इस अभ्यास से अलग कर दिया। अमेरिका में 9/11 हमले के बाद इसकी दोबारा शुरुआत हुई। मालाबार अभ्यास को लेकर आखिर चीन की क्या प्रतिक्रिया है? वर्ष 2007 में भारतीय नौसेना ने मालाबार अभ्यास में जापान, सिंगापुर एवं ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को आमंत्रित किया। चीन ने इस पर आपत्ति दर्ज की और इस अभ्यास से जुड़े देशों के समूह को एशियन नाटो की संज्ञा दी। 2008 के बाद से वैश्विक कूटनीति के कारण इस अभ्यास में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, परंतु 2015 में जापान इसका हिस्सा बना। इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होने जा रहा है। अब एक नजर क्वाड पर। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, यह अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक राजनीतिक वार्ता समूह है। साल 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पहली बार इसका प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया। इसके बाद इसी साल इसकी बैठक हुई थी। यह मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने और समर्थन करने के लिए इन देशों को एक साथ लाता है। इसकी अवधारणा की उत्पत्ति 26 दिसंबर 2004 को आई एशियाई सुनामी से मानी जाती है। भारतीय नौसेना ने सुनामी पश्चात राहत कार्यों में अपने जहाजों, विमानों और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया जैसे देशों को सहायता प्रदान करके अपनी विश्वसनीयता साबित की। चीन की आक्रामक नीति को देखते हुए वर्तमान में क्वाड की अति महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। अब ये रहा आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई। कथन दो, वर्ष 2015 में जापान मालाबार अभ्यास का हिस्सा बना। कथन तीन, वर्तमान में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास का हिस्सा है। उपरोक्त में से असत्य कथन है। ए, एक और दो, बी, दो और तीन, सी, एक और तीन, डी, इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प ए। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon to never miss an update.